जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आपने सुना होगा कि हम कभी ऐसा समय आए कि हम अपने अतीत में चले जाएं, यानी कोई ऐसी टाइम मशीन बने जिसमें हम बैठें और अपने अतीत में या भविष्य में चले जाएं। यानी आज हम बैठें और सोचे कि 1960 का वो समय हमें देखना है और वो मशीन हमें 1960 में ले जाए और जहां जाकर हम देखें कि वही 1960 का दशक है, या हम बैठें और 1000 साल पीछे चले जाएं और देखें उस समय की दुनिया कैसी है, या टाइम मशीन में बैठें और आज के 100 साल बाद आगे जाकर के देखें कि दुनिया कितनी आधुनिक है। क्या ये संभव है? क्या कभी वैज्ञानिक ऐसा कर पाएंगे? दर्शकों, इस बात का उत्तर मैं आपको सटीकता के साथ दूंगा और प्रमाणित तौर पर दूंगा, और इसके बाद शायद ही आपके मन में यह प्रश्न होगा कि क्या ऐसा संभव है या नहीं है। सबसे पहले एक बात को समझते हैं दर्शकों, कि इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, हमारी इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है, वो 9 ग्रहों की गति के कॉम्बिनेशन के कारण से हो रहा है। और ये कॉम्बिनेशन इतना यूनिक है कि कभी भी ये रिपीट होता ही नहीं है। यानी आज का जो कॉम्बिनेशन ग्रहों का है, ऐसा कॉम्बिनेशन इस संसार में दोबारा कभी भी नहीं बनेगा। यानी सूर्य अपनी इस जिस राशि में आज स्थित है, जितने डिग्री पर है, चंद्रमा उसी राशि में उतने ही डिग्री पर, बुध भी उतने ही डिग्री पर दूसरी राशि में, यानी जो कॉम्बिनेशन आज आप देख रहे हैं, ठीक उतने ही डिग्री का कॉम्बिनेशन कभी भविष्य में बने 100 साल, 200 साल बाद या 400 साल बाद, क्या ये संभव है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन दोबारा बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि ये ग्रहों की जो गति का कॉम्बिनेशन है, इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए जैसे 1 से लेकर के 9 तक, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, और ये जो क्रम चल रहा है ये निरंतर है, ये कभी रुकता नहीं है और ना ही इसका कभी अंत है। ठीक इसी तरह से ग्रहों की गति का भी एक क्रम है जो ना कभी रुकता है और हर बार एक नई सिचुएशन क्रिएट करता है जिसका इंपैक्ट हम पर आता है, और इसीलिए संसार गतिमान है। और हम ये कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है, जो समय एक बार चला गया वो वापस लौट कर नहीं आता है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी यही है कि जो ग्रहों की सिचुएशन आज बन रही है और इस समय पर जो आपको मौका मिल रहा है, आप चाहें कि यही मौका आपको जिंदगी में दोबारा मिले तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आज जो मौका आपको ग्रह दे रहे हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन दोबारा आपके जीवन में कभी भी नहीं बनेगा। इसीलिए दर्शकों, जिन चीजों को हम आज देख रहे हैं, आज से पहले जिस अवस्था में थी, आप दोबारा उन चीजों को वैसा क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कभी भी साइंस इतनी बड़ी तरक्की नहीं कर सकती कि वो आपको किसी ऐसी मशीन में बिठाए जहां से आप भविष्य के या भूत के किसी कालखंड में चले जाएं और वहां आपको सब कुछ वैसा ही दिखे जैसा उस समय पर था, क्योंकि भौतिक स्तर पर यह संभव नहीं है। क्योंकि जो चीज आज क्रिएट हो रही है, जो चीज अपना अस्तित्व ले रही है इस भौतिक संसार में, वो एक दिन अंत की ओर जाएगी और उसके बाद एक नया क्रिएशन होगा, फिर उसका एक अंत होगा, फिर नया क्रिएशन होगा, फिर उसका अंत होगा, और एक क्रम इसी तरह से चलता रहता है। इसीलिए अतीत में जाना या भविष्य में जाकर के किसी चीज को देखना ये संभव नहीं है। इसीलिए टाइम मशीन की जो कल्पना वैज्ञानिक करते हैं,
एक केवल और केवल साइंस के प्रति एक आकर्षण पैदा करने के लिए एक बनाई हुई थ्योरी है जिसको वो हम लोगों के सामने लेकर आते हैं, जिससे हमारा इंटरेस्ट साइंस के प्रति डेवलप हो। इसी तरह के कॉन्सेप्ट को वो और लेकर आते हैं उड़न्त अस्त्री वाला, जिसके बारे में भी वो कहते हैं कि परजीवी हमारे इस धरती पर आकर हमसे संपर्क करते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमारा साइंस के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए है, ताकि हमारा ध्यान साइंस के प्रति डेवलप हो और हम उसमें और इंटरेस्ट लें, ताकि उसका लाभ हमें अपने जीवन में मिले। लेकिन दर्शक, एक बात आपको बताता हूं, ये बात जो मैंने आपसे कही है ये पूरी तरह सत्य भी नहीं है। कारण ये है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, और जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, जो वेव फंक्शन हम पैदा करते हैं, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यानी आज जो हम कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो हमारा बिहेवियर है, और उसके बिहेवियर के कारण से जो एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक एक्शन क्रिएट हो रहा है, वेव फंक्शन इस संसार के अंदर हम पैदा कर रहे हैं, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। वो हमेशा इस ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा के रूप में, तरंग के रूप में मौजूद जरूर रहेगा। यानी यदि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम इस शरीर को उस फंक्शन में, वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर पाए, ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर पाए, फिर उस ऊर्जा को हम रिलेट कर पाए किसी भी कालखंड के अंदर जाकर के, तो हम उस कालखंड के अंदर जितने भी अनुभव हैं उनको महसूस कर पाएंगे, और यही प्रक्रिया हम भविष्य के अंदर भी जाकर के कर सकते हैं। लेकिन ये भौतिक स्तर पर नहीं होगा, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर होगा। इसीलिए भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत, इन दोनों के अनुभव में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसीलिए जो टाइम ट्रेवल की थ्योरी है वो महज कल्पना है भौतिक स्तर पर। आध्यात्मिक स्तर पर और क्वांटम लेवल पर और सूक्ष्म जगत जिसे हम कहते हैं, उसके आधार पर इस थ्योरी को जरूर समझा जा सकता है, लेकिन भौतिक स्तर पर यह संभव नहीं है। और शायद यही कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसीलिए मिश्र के लोग भी बहुत ही आधुनिक थे, ब्रह्मांड के विज्ञान के रहस्य को वो लोग जानते थे। इसलिए उनके मन में भी कॉन्सेप्ट था कि शायद भविष्य में हम वापस से जिंदा होने की कोई कला सीख लें, इसीलिए वो मम्मी के रूप में अपने शव को सुरक्षित रखते थे। और यही कॉन्सेप्ट आज के समय पर भी एप्लीकेबल है, और इसलिए आप देखिए कि बहुत सारे लोग अपने शरीर को सुरक्षित करवा रहे हैं, और ऐसे 600 से ज्यादा शव सुरक्षित किए जा चुके हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित है। और कभी भविष्य में यदि मान लीजिए ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे इंसान जिंदा हो पाए, तो उसके लिए उन्होंने आज अपने शरीर को सुरक्षित किया है। लेकिन एक बात को समझिए, अगर हृदय की गति का चलना ही जीवन है, तो फिर उन लोगों को मृत क्यों घोषित कर दिया गया है? उनके शरीर को सुरक्षित क्यों रखा जा रहा है? वहां पर आर्टिफिशियल दिल लगाकर या मशीनी दिल लगा करके उनको जिंदा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जिंदगी दिल की धड़कन से नहीं जुड़ी है, वो तो एक तरीके से आपके शरीर का एक फंक्शन है। हकीकत में ब्रह्मांड की वो जो सूक्ष्म जगत की एनर्जी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, भौतिक जगत में हम आत्मा कहते हैं, साइंस के नजरिए से उसे हम क्वांटम वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म पार्टिकल जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर भी 99.99% जगह खाली है, जहां एक ऊर्जा अपना काम करती है जिसे आज तक वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसी ऊर्जा को आत्मा कहते हैं। और जिस वक्त वो ऊर्जा उस जगह को छोड़ देती है, इस शरीर का फंक्शन काम करना बंद कर देता है। इसलिए दर्शकों, विज्ञान आज इस दोराहे पर आकर खड़ा है जहां से उसकी लड़ाई
अपने ही द्वारा किए गए उन पैरामीटर से है जिनको वो आज तक सच मानते थे, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड की थ्योरी और भौतिक की जो फिजिक्स है, यानी कि क्लासिकल जो फिजिक्स है, उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। उनके पैरामीटर यहां पर उन्हें गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहीं से तो नए युग की शुरुआत होती है, जहां आप भौतिक स्तर पर भी एक नए युग की खोज करना आरंभ करते हैं, और इसी खोज में ज्योतिष बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।